विद्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं ब्रेड कॉर्न चाट। उसके लिए हमने ली है 4 पीस ब्रेड, 1 छोटी कटोरी हमने लिया है कॉर्न, 2 हरी मिर्च बीस से तोड़ लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसे इस तरह काट लिया है। कॉर्न, अदरक और हरी मिर्च को हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। देखिए कॉर्न को हमने हरी मिर्च और अदरक के साथ पीस लिया है। इसे बहुत फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाना है, थोड़ा सा ऐसा दरदरा टाइप का रखना है। इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। कॉर्न को हमको एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू, इसको हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। और हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स। डालेंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और ब्रेड को हम गोल साइज स्लाइस में काट लेंगे। इससे हम अच्छी तरह सबको आपस में मिला देंगे। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो लाल मिर्च पाउडर ना डालें, हम थोड़ा इसमें लाल मिर्च पाउडर भी मिलाएंगे। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, ऐसे भी हम अच्छी तरह मिला देंगे। देखिए हमने कॉर्न में अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स, आलू, अदरक, हरी मिर्च जो पीसा था और नमक सब अच्छे तरह से मिला लिया है। और इसकी हम जितनी बड़ी हमारी ब्रेड हमने काटी है उतनी बड़ी हमने इस तरह से गोल घुमाते हुए इसके चॉप की तरह गोली बनाना है। और हाथ से इस तरह से हम इसको कर देंगे और ब्रेड के ऊपर रख देंगे ऐसे, देख रहे हैं ये, इसको उंगली की सहायता से फैला देंगे। जब तक हम ये सब काम करेंगे तो हम गैस को ऑन कर देते हैं। गैस पर हम तवा रख देते हैं। इसी तरह से हम 4 पीस की ब्रेड बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने दूसरी भी इस तरह से ब्रेड तैयार कर ली है। इसे हाथ से हम इसे फैला देंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तब अच्छी तरह तेज गर्म हो गया है, इसे हम गैस की आंच को हम मीडियम में कर दिए हैं। उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। आप इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करिएगा, सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। और ये जो आलू और इसका टिक्की हमने बनाई है कॉर्न की, उसे इस तरह पलट कर हमें करना है। और मीडियम आंच में हम इसको सुनहरा होने तक सेकेंगे। देखिए पहले हम तवा चिकना करने के लिए 1 टेबल स्पून तेल डाला था, अब 2 टेबल स्पून तेल इसमें और हम डालेंगे ताकि हमारी जो नीचे से आलू का मिश्रण है अच्छी तरह सिक जाए। सेकते हुए हमें 2 मिनट हो गया है, एक को हम पलट कर देखते हैं कि अच्छी तरह सिका है कि नहीं। देखिए ये हल्का सिक गया है और इसे हम पलट देते हैं। देखिए हमने 4 पीस ब्रेड को पलट दिया है। अब इसमें भी हम 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे जिससे ब्रेड भी अच्छी करारी सिक जाएगी। देखिए ब्रेड भी अच्छी तरह ब्राउन हो गई है और हमारी टिक्की भी अच्छी तरह सिक गई है। गैस को हम बंद करते हैं और इसे हम सर्व करेंगे। देखिए हमने ब्रेड कॉर्न चाट बनाई है तो अब उसको हमें चाट की तरह बनाना भी है। इसके लिए हम लेंगे मीठी चटनी, इमली की मीठी चटनी है। इसे हम अच्छी तरह चारों तरफ फैला देंगे, 1 चम्मच डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे धनिया की चटनी, इस तरह से फैलाते हुए डालिए। अब डालेंगे दही, दही में हमने चीनी और हल्का सा काला नमक डाल लिया था। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा महीन कटा हुआ प्याज, महीन कटी हुई धनिया पत्ती, थोड़ा डालेंगे हम चाट मसाला, थोड़ा इसमें जाएगा आलू भुजिया,
से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।